हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास आकाई कंपनी का 21 इंच का एक टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है और टीवी पे भी स्क्रीन आ जाता है। स्क्रीन आ जाने के बाद जो ए भी मूड होता है, ए तो हमारा चैनल पे रह गया है, देखिए जीरो है। और इस पे जब ए भी मूड आना चाहिए, ए भी मूड लेके आऊँगा, तब देखिए ए वाला ए भी मूड का बटन है, लास्ट वाला जो बटन है, ए वाला बटन को दबाने के बाद हमारा ए भी आना चाहिए था। लेकिन इसको दबाने के बाद भी, इसको जब मैं दबाता हूँ, दबाने के बाद भी हमारा ए भी मूड चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए वन हो गया है, मैं ए भी चेंज कर रहा हूँ तो चैनल प्लस का काम कर रहा है। देखिए जीरो हो रहा है और इसको दबाने से हमारा चैनल चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा ए भी जो आना चाहिए, वीडियो जो आना चाहिए, वीडियो नहीं आ रहा है। इसीलिए ही हमारा अंदर में जो ए भी का कनेक्शन लगाया हुआ है, वो ए भी का कनेक्शन का पिक्चर जो होना चाहिए, वो ए भी का पिक्चर नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। कैसे रिपेयर करते हैं देखने के लिए मैं और एक चीज़ बता दूं, मेरे पास एक मल्टी रिमोट है। मल्टी रिमोट के मतलब ये हमारा रिमोट, हमारा 4-in-1 रिमोट है। ये 4-in-1 रिमोट पे हमारा BPL, वीडियोकॉन, सैमसंग और आकाई मिल जाता है। लेकिन इस पर क्या हुआ, हमारा जो स्क्रीन है, जो ए भी आकाई को दबाने के बाद हमारा जब ए बी बटन दबाता हूँ, ए बी बटन दबाने से हमारा सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए और लेकिन ये नहीं ऑन हो रहा है और ए बी भी ऑन नहीं है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ए बी बटन हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ए बी बटन हमारा सिस्टम से आउट हो गया है। और ये जो हमारा ए बी बटन दिया गया है, ए बी बटन तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा चैनल चेंज हो रहा है। इसके जो ए भी आना चाहिए, ए भी नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ही देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और हमारा ए भी क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारा ये ए भी बटन काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ये बटन ठीक से दबाया नहीं गया था और इसीलिए मेरा ए भी काम नहीं कर रहा था। और मैं जब ए भी, ये जो आकाई का जो बटन है, आकाई का बटन को दबाने के बाद मैं ए भी दबाने से हमारा ए भी का मूड का पिक्चर तो आ गया है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इसका ए भी जब हट जाता है, टीवी को ऑन करने के बाद, पावर देने के बाद ए भी से हट जाता है, लेकिन ये जो हमारा कीपैड है, कीपैड पर हमारा बटन काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ही ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब रिमोट नहीं रहेगा तो हमारा कीपैड से जो काम करना चाहिए था, ये कीपैड काम नहीं कर रहा है। और कीपैड हमारा प्रोग्राम प्लस का काम कर रहा है, लेकिन ए भी मूड का काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों, कस्टमर के पास हमारा रिमोट नहीं है, वो कीपैड दबा के ही काम करता था। इसीलिए क्या करेंगे, एक कीपैड को रिपेयर करेंगे, कहाँ से हो रहा है, ए भी मूड क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले तो आता था, लेकिन ये थोड़ी दिन पहले ये वाला स्विच हमारा ए भी काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए क्या करते, ओपन कर लेते हैं टीवी को। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का जो हमारा टीवी को मैंने आकाई टीवी को ओपन किया है, इसका योक ट्यूब जो 21 इंच का है, वो ये अल्ट्रा स्लिम नहीं है, नॉर्मल का फ्लैट टीवी है। और ये रहा इसका योक कॉयल, ये रहा हमारा बेस पीसीबी और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है, ये मेन पीसीबी से ही प्रॉब्लम आया है, लेकिन ये पीसीबी पे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा कीपैड स्विच का जो पैड है, कीपैड है, वो कीपैड है, कीपैड पे ही प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए इसका ए भी काम नहीं कर रहा है। इसको देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इसका ए भी काम नहीं कर रहा है क्यों। अब लोग क्या करेंगे, इसका मेमोरी सेक्शन देख लेंगे या जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर को घाटेंगे। इसका ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है ये हमारा कीपैड सेक्शन से ही हो रहा है। इसीलिए कीपैड को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे इसका क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने कीपैड जो होता है, कीपैड को मैंने खोल चुका हूँ। स्विच का जो पॉइंट है, वो पॉइंट को खोल चुका हूँ और इसको ढक्कन हटा लेता हूँ। हटाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा 6 स्विच लगाया हुआ है,
वो है स्विच पे हमारा नीचे वाला होता है हमारा एबी का, दूसरा होता है मेनू का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस चैनल प्लस चैनल माइनस, ये वाला हमारा स्विच है। लेकिन ये वाला हमारा मेनू का नीचे वाला जो हमारा स्विच है, ये नीचे वाला स्विच हमारा एबी का बटन होता है, एबी का बटन हमारा काम नहीं कर रहा है। एबी का बटन हमारा वॉल्यूम जो प्रोग्राम प्लस होता है वो प्रोग्राम प्लस पे काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है देख सकते हैं सीरीज पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये सीरीज का रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू छोड़ देगा या वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो इस वाला प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या करना है, एक एक रेजिस्टेंस को खोल के इसको चेक करना जरूरी है। उससे पहले दोस्तों क्या करना है, ये वाला जो एबी का स्विच है, एबी का स्विच को ओपन करके नया वाला एक स्विच लगाना है, क्योंकि एबी स्विच हमारा जब अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला स्विच को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नया वाला स्विच लगाएंगे, नया वाला स्विच लगाने के बाद भी चेक करेंगे, चेक करने के बाद पता चलेगा हमारा स्विच का प्रॉब्लम है या हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा वैल्यू घट गया है या बढ़ गया है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला स्विच को चेंज कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये बारा जो स्विच था पुराना वाला स्विच, वो पुराना वाला स्विच को मैंने चेंज कर दिया हूँ, और चेंज कर देने के बाद नया वाला स्विच लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसका ये भी देखेंगे, मैं पावर कॉर्ड को लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद ये देखिए हमारा चैनल पे आ चुका है, और मैं इसको जब दबाता हूँ तो हमारा ए बी भी आ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये वाला स्विच हमारा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, कनेक्ट नहीं कर रहा था, और इसका स्विच जो कनेक्शन था उसको रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। इसीलिए मैं पुराना वाला स्विच को चेंज करने, नया वाला स्विच लगाने से हमारा सिस्टम का जो ए बी काम नहीं कर रहा था, ए बी काम करना शुरू कर दिया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा ए बी का जो कीपैड काम नहीं कर रहा था, वो ए बी का कीपैड काम करना शुरू कर दिया है, और देखिए ए बी का पिक्चर भी आ चुका है। मतलब ये वाला ये जो कीपैड होता है, कीपैड कैसे काम करता है आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो हमारा इस पे दो वायर आता है, दो वायर पे एक हमारा की बटन होता है, एक वाला हमारा होता है की बटन जो हमारा मेन प्रोसेसर से आता है, दूसरा आता है हमारा 5 वोल्ट से। ये 5 वोल्ट आके हमारा इस पे कनेक्ट होता है, और उससे हमारा सीरीज करके 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगाया हुआ आता है। ये रेजिस्टेंस हमारा काम करता है वैल्यू उसका जैसा वैल्यू होगा उससे वैल्यू के जैसे हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज देगा, और वोल्टेज देने से हमारा कीपैड जैसे वोल्टेज कीपैड पे कीपैड का जो कनेक्शन है ये कीपैड पे जैसे वोल्टेज आएगा तो वैसे ही काम करेगा हमारा प्रोसेसर पे। इसीलिए एक एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसका, चैनल प्लस चैनल माइनस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, ये वाला मेनू का बटन, ये वाला ए बी का बटन। हमारा ए बी का बटन का हमारा जो स्विच था, स्विच को चेंज करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नहीं होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस को देखना जरूरी है, उससे पहले जो रेजिस्टेंस है उसको देखना जरूरी है। ऐसे ही काम करता है, ठीक है। मेरा तो सिस्टम पे जो काम करना चाहिए था वो ए बी पे हमारा स्विच काम कर रहा है। देखिए मैं फिर से दबाता हूँ, स्विच को दबाने से हमारा काम करेगा। देखिए हमारा चैनल पे आ गया है, और मैं ए बी दबाता हूँ, देखिए ए बी का ए बी भी काम कर रहा है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, और इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।